नमस्कार, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी में हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट सेकंड, यानी कि प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अब मैं आपके लिए डेली पर्यावरण और बाल विकास और हिंदी के भी प्रैक्टिस लेकर आने वाला हूं। जो पर्यावरण के, तो मैं 4-5 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर चुका हूं, वो भी बहुत जल्दी हिंदी के लेकर आने वाला हूं। तो आज जो सेकंड प्रैक्टिस सेट्स हम पढ़ रहे हैं बाल विकास का है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन क्वेश्चन की मदद से। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रेरणा से संबंधित नहीं है? अब आपको देखना है कौन सा वाक्य प्रेरणा से संबंधित नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेरणा मनोव्यवहारिक क्रिया है। दूसरा है, यह किसी आवश्यकता से उत्पन्न है। प्रेरणा द्वारा प्रसूत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। तो उपर्युक्त सभी, मतलब इनमें से कोई भी वाक्य हमारा प्रेरणा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, क्योंकि प्रेरणा आपका मनोव्यवहार की एक क्रिया नहीं है। यह किसी आवश्यकता से, जरूरी नहीं कि आप, जैसे आपको यह आवश्यकता है तो आप उसको प्रेरणा उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो आपके लक्ष्य की जब आपको प्राप्ति करना होती है तब वहां पर आपकी प्रेरणा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। सेकंड है, प्रेरणा द्वारा प्रसूत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके, मतलब कोई भी बच्चा है वो किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण ऐसा किस प्रेरणा से करता है? अब देखिएगा, कोई बालक है, यदि आप उसके लिए कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वो खुद नहीं करना चाह रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कि आप भैया ये काम करो, ठीक है। या तो वो दूसरे की इच्छा से काम करने वाला है या फिर किसी बाहरी दबाव के कारण, किसी प्रेशर में वो काम कर रहा है, तो ऐसा किस प्रेरणा से होता है? सकारात्मक प्रेरणा से, नकारात्मक प्रेरणा से, आंतरिक प्रेरणा से, या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, नकारात्मक प्रेरणा से ही होगा। क्योंकि नकारात्मक प्रेरणा कहाँ होती है? अब वो बच्चा तो करना नहीं चाह रहा बेचारा, उसको कोई दूसरे करने के लिए बोल रहे हैं या कोई बाहरी प्रेशर आ रहा है तो वो करेगा, बट वो नकारात्मक प्रेरणा से करेगा, उसका मन नहीं उस चीज में लगेगा, ठीक है। इसलिए वो काम करेगा बट पॉजिटिव वे में काम नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रेरणा का स्रोत है। अब प्रेरणा का स्रोत क्या है? आवश्यकताएं, चालक या उद्दीपन या ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रेरणा का आपका स्रोत होगा ये सभी होगा। जब आपकी आवश्यकताएं होंगी तो बिल्कुल आपके अंदर प्रेरणा आएगी, आपको लगेगा कि यार मुझे कार की आवश्यकता है, मैं कार खरीदूंगा। तो आपको ये लगेगा जब मुझे कार खरीदना है तो मुझे आगे कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब आपको वहां से प्रेरणा मिली। स्वयं चालक और स्वयं उद्दीपन, है ना। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है? अभिप्रेरणा, अब समझिए, अभिप्रेरणा से उत्साह बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है या मार्गदर्शन मिलता है या इस सभी होते हैं? तो एक्चुअल में क्या है, अभिप्रेरणा से लगभग लगभग सभी होते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है, अभिप्रेरणा से उत्साह बढ़ता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमारे लिए कि भैया हमें ये काम करना है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा से क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो प्रेरक आपके समाज में या उसकी स्थितियों से संबंधित या अन्य कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या सामाजिक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अर्जित प्रेरक हम इनको कहेंगे, क्योंकि जब कोई भी हम अर्ज करते हैं, मतलब उसको हम सीखते हैं, जो सीखना होता है उसको हम स्वयं से सीखते हैं, उसको हम कहते हैं स्वयं से अर्जित करना, तो वो होंगे अर्जित प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रेरक है। कृत्रिम प्रेरक कौन सा है? दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है और ये सभी है। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ,
कृत्रिम का मतलब होता है बनाया हुआ, तो मतलब देखो प्रशंसा तो बनाई नहीं जा सकती, पुरस्कार बनाया नहीं जा सकता उसका, है ना, वो तो उसकी योग्यता के अनुसार ही मिलेगा, दंड के लेकिन रूल्स बना दिए जाते हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, प्रेरक में आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर ही सही होगा, क्योंकि दंड के लिए भी बनाए जा सकते रूल्स, पुरस्कार के लिए भी रूल्स बनाए जा सकते, और प्रशंसा के लिए भी, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही होगा, ए आंसर सही नहीं होगा, डी आंसर ही सही होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक व्यक्ति को किस प्रकार की क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, चालक व्यक्ति को किस प्रकार की क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, एक निश्चित, एक अनिश्चित, या स्थिर, या सभी। तो ध्यान रखिएगा, चालक व्यक्ति को हमेशा एक निश्चित व्यवहार करने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, सोचने का जो महत्वपूर्ण साधन है वो संकल्पना है, रुचि है, या प्रेरणा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि सोचने का संपूर्ण साधन, सोचने का महत्वपूर्ण साधन या संपूर्ण साधन ये क्या होगा, संकल्पना। जब तक आपकी संकल्पना आप नहीं लोगे तब तक आप इस चीज को महत्वपूर्ण तरीके से सोच नहीं पाओगे। नेक्स्ट है, सोचना एवं सीखना होता है, सोचना और सीखना उद्देश्यपूर्ण, निरुद्देश्यपूर्ण और व्यर्थ, या ये सभी। तो ध्यान रखिएगा, सोचना और सीखना ये दोनों उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जब हमारा उद्देश्य बिल्कुल सीधा होता है तब हम सोचते हैं और तभी हम सीखते हैं। नेक्स्ट है, जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए टॉफी लाएंगे, यह किस प्रकार का चिंतन है, कल्पनात्मक, या प्रत्यात्मक, या प्रत्यक्षात्मक, ये सभी। अब देखो वो बच्चा सोच रहा है, मतलब वो कल्पना कर रहा है कि मेरे मम्मी पापा बाजार गए तो मुझे चॉकलेट लाएंगे या कुछ खाने के लिए लाएंगे, मतलब वो तो कल्पना कर रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं, समस्या समाधान, तर्क, वाद विवाद, या ये सभी। तो ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी चिंतन शक्ति का प्रयोग करने के लिए अवसर देते हैं तो समस्या समाधान भी देते हैं, इसके बाद तर्क भी होते हैं, और वाद विवाद भी होते हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, उसमें भी हमें समस्या का समाधान मिलते हैं, है ना, उसमें भी अवसर मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय उपलब्धियों में बच्चे के असफल होने का कारण क्या है, विद्यालय की जो उपलब्धियाँ हैं उसमें बच्चा यदि आपका असफल हो जाए तो उसका क्या कारण होता है, तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की कमजोरियां, कठिनाइयां एवं समस्याओं का समुचित निवारण होना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिएगा, जब तत्परता की कमी होगी तब भी बच्चा आपका फेल हो सकता है, अभ्यास की कमी होगी तब भी आपका बच्चा फेल हो सकता है, कमजोरी होगी, कठिनाई और समस्याओं का समुचित निवारण ना हो तब भी आपका बच्चा फेल हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा, यानी ये सभी बच्चे के फेल होने के कारण हैं, असफल होने के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में सहायक शारीरिक कारक कौन सा है, परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता, या अनुभव। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा सीखने में जो शारीरिक होती है वो परिपक्वता होती है, ठीक है, आवश्यकता, रुचि, अनुभव नहीं होता है। परिपक्वता कहते हैं जब किशोर अवस्था आती है तब आदि परिपक्व होने लगता है ना, उस कंडीशन में वो शारीरिक कारक बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालकों की पीठ में रुचि, बालकों के पाठ में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, अच्छे कार्य के लिए बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए, छात्रों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के अवसर देना चाहिए, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि उसको उनके पाठ में रुचि उत्पन्न भी करनी चाहिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, और उनके सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए भी उनको अवसर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है, आंतरिक, बाह्य, आदृश, या इनमें से कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से, आंतरिक, बाह्य, या आदृश। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंतरिक। जब आदमी को किसी चीज का उद्देश्य होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा मिलती है,
तो उसके अंदर एक ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार मैं वैसा करूंगा, मतलब उसका उद्देश्य बन जाता है अंदर से अपनी आत्मा से, तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रेरणाओं की उत्पत्ति का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक कारण है? आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, क्योंकि आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन और सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, और सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट है, प्रेरणा की उत्पत्ति का अर्जित कारण नहीं है। अब प्रेरणाओं की जो उत्पत्ति, उसका अर्जित कारण क्या नहीं है? सामाजिक नियम, भावना ग्रंथियां, स्थायी भाव या इच्छा शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, इसकी इच्छा शक्ति नहीं हुए ये अर्जित करने का कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर है। छात्रों में जो सीखने की योग्यता निर्भर है सामाजिकता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर, या परिवार पर, या संस्कृति पर? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती व्यक्तिगत भिन्नता पर करती है, सामाजिक, परिवार और संस्कृति में। व्यक्ति उसकी खुद पर निर्भर करता है कि वो कैसे सीखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत में निहित है छात्र का व्यवहार, शिक्षण का व्यवहार, या शिक्षक का व्यवहार, या ये सभी? तो अब आप पता सोचिएगा, जब शिक्षक की बात आ जाती है तो शिक्षक में छात्र और शिक्षण और शिक्षक, ये तीनों होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही होगा। शिक्षक यानी कि शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है। शिक्षण जो शिक्षण होता है ना, उस अधिगम का विश्लेषण क्या है? सार्थक सामग्री, अर्थपूर्ण सामग्री, या तार्किक उद्देश्यता, या ये सभी? तो इसका आंसर जो सही होगा वो सभी होंगे। अर्थपूर्ण सामग्री भी है, सार्थक सामग्री भी है, और तार्किक उद्देश्यता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण एक उद्देश्य स्वदेश प्रक्रिया है, बिल्कुल है। शिक्षण एक भाषागत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। शिक्षण छात्र एवं शिक्षक के बीच चलने वाली परस्पर प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? फ्राइड ने, क्लार्क ने, हल ने, यंग ने, या मिलर ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्राइड ने किया था। नेक्स्ट है, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस प्रकार तक शिक्षण करना चाहिए? किस प्रकार तक शिक्षण करना चाहिए? स्मृति स्तर तक, अवबोध स्तर तक, चिंतन स्तर तक, या मूल्यांकन स्तर तक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवबोध स्तर तक करना चाहिए, अवबोध स्तर तक करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर हैं अध्यापक, विद्यार्थी, या पाठ्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा शिक्षण प्रक्रिया में जो स्वतंत्र चर होता है वो अध्यापक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। तो दोस्तों, ये हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सेकंड प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर लिया है, और थर्ड नंबर का हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वर्ग 3 की अच्छे से तैयारी करें, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और भी आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के साइन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।